आज का टॉपिक है बिल्डिंग के बारे में कि हम बिल्डिंग को कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसे हम जो सपना तो देखते हैं कि मेरे को अच्छी बिल्डिंग बनाना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते। लेकिन मैं यही चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं कि कम पैसे में अपन बिल्डिंग को कैसे बना सकते हैं और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि हम आज के टाइम पे अगर हमको बिल्डिंग बनवानी है तो हमारे पास ना सेंटरिंग है का सामान है, ना कोई मतलब वर्कर है पर्सनल कि हम उससे बना सकें। हम कहीं ना कहीं से कोई मेसन हायर करेंगे, यानी मिस्त्री लेबर हायर करेंगे जिससे बनवाएंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि किसी इंजीनियर के पास चले गए तो ड्राइंग बनवा लिए। चलो ड्राइंग तो बन गया, लेकिन ड्राइंग बनने के बाद पूरा ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक एग्जीक्यूशन करना होता है स्टेज वाइज, जिसमें एक्सकवेशन है, फाउंडेशन है, प्लिंथ है, लिंटल है, टॉप बीम है, रूफ़ है, फ्लोर कैसे होना चाहिए, स्टेयर केस कैसा होना चाहिए, किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, ये पूरा वीडियो मैं बताने वाला हूँ। और जो उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे पीएम सर ने, नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को दिया है, लेकिन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर उसमें एक लिमिटेड स्पेस 400 स्क्वायर फीट या 350 स्क्वायर फीट जिस शहरी क्षेत्रों के लिए 2,40,000 या 2,50,000 मिलता है, इसमें वैसे भी आजकल मटेरियल महंगा हो गया। तो इसलिए मैं इस वीडियो को, आप जितने भी हितग्राही हैं जो पीएम आवास से, पीएम आवास जिसको मिला हुआ है, या फिर जो लोग गरीब हैं जिनके पास कम बजट है, 5 लाख के नीचे बजट है, फिर भी उनको अच्छे से अच्छा मकान बनाना है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं इसमें आपको स्टेज वाइज हर चीज़ को बताऊंगा ताकि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कुछ भी कैसा भी काम कराते हैं तो एक आपको जानकारी हो जाए कि हमको लेवल बाय लेवल क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। मैं आगे एक प्रेजेंटेशन चलाने वाला हूं, उसमें मैं आपको डिटेल से आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जैसे कि कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। इसमें आज हम बिल्डिंग के पूरे जितने भी हम कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। बिल्डिंग को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है हमारा सब स्ट्रक्चर एंड दूसरा है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, फर्स्ट है फाउंडेशन, प्लिंथ, डीपीसी, वॉल, कॉलम, लिंटल, बीम, फ्लोर, डोर, विंडो, वेंटिलेशन, स्टेयर केस, रूफ्स एंड पैरापिट वॉल। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फाउंडेशन। इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ट्रांसफर डेड एंड लाइव लोड टू द सॉयल। ये हमारा बिल्डिंग का एक सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, जो हमारे जो डेड लोड है, सामान है, जो भी हमारा छत का वजन है, ब्रिक वर्क का वजन है, खिड़की दरवाजा जो सामान है सब का वजन है, और हम खुद जो उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं हमारा खुद का वजन है, वो लोड जो है ट्रांसफ़र करता है सॉयल में। बिल्डिंग को हमने तीन तरीके से डेराइव किया है, एक्सकवेशन, पीसीसी एंड फूटिंग। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्लिंथ बीम, इज डेराइव्ड एज द मेंबर इज कंस्ट्रक्टेड एट ए लेवल फ्रॉम ग्राउंड एंड सपोर्टेड टू द कॉलम। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लिंथ जो है, प्लिंथ एक लेवल है हमारा जो हमारे बिल्डिंग को एक ग्राउंड लेवल से एक लेवल देता है और हमारे कॉलम को सपोर्ट करता है। बीम हमारा जो है एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है बिल्डिंग का, हमारे घर का, जो कि हमारा कॉलम को सिंपली सपोर्ट करता है। एंड थर्ड टॉपिक है हमारा डैम प्रूफ कंक्रीट, डीपीसी। डीपीसी जो है वो एक हमारा एक लेयर है जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल से हम क्रिएट करते हैं प्लिंथ बीम के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब हमारी दीवार को हम उसके ऊपर बनाते हैं। इसका मेन पर्पस है कि ये जो मॉइस्चर बाहर से आता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल। वॉल जो है हमारा वॉल इज डिफाइंड एज इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन द स्पेस ऑफ बिल्डिंग। वॉल इज प्रोटेक्ट फ्रॉम अस हीट, रेन, विंड एंड प्रोवाइड प्राइवेसी स्पेस। वॉल का यूज हमारी बिल्डिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। वॉल हम
हमारी बिल्डिंग की स्पेस को सेपरेट करता है, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटता है। ये हमारी बिल्डिंग को बहुत ही आउटर से हमको पूरा सपोर्ट करता है, हम क्लोज करता है पूरी बिल्डिंग को और हमें एक प्राइवेट स्पेस देता है। वॉल की हम बात नेक्स्ट है हमारा आरसीसी कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज एन आइसोलेटेड लोड बेयरिंग मेंबर व्हिच कैरियर अ कंप्रेसिव लोड ऑफ स्ट्रक्चर। कॉलम जो है हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर का सबसे मेन कंपोनेंट है। ये हमारे वर्टिकल लोड जो हमारे ऊपर से टॉप टू बॉटम जो जा रहा है इसको ये बेयर करके फाउंडेशन में ट्रांसफर करता है। कॉलम में जो स्टील हमको यूज करना है, तो मिनिमम जो दायरा होता है स्टील का कॉलम के लिए वो होता है 12 mm। हमको कम से कम 12 mm का जो सरिया है हमको यूज करना चाहिए कॉलम में। कॉलम जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है। ये फोटो में देखिए एग्जांपल है, 6 है हमारा लिंटल। अब हमको लिंटल हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बिल्डिंग में, जबकि हम कॉलम कर रहे हैं, बीम कर रहे हैं, लेकिन लिंटल क्यों करते हैं? लिंटल एक स्ट्रक्चरल मेंबर है दैट रेस्ट अक्रॉस द ओपनिंग लाइक विंडो डोर्स इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू कैरी द लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर। मतलब जहाँ पे हम अपना दरवाज़ा या खिड़की को हम लगाते हैं वहाँ पे हमको एक दरवाज़ा और विंडो के ऊपर हमको एक सपोर्ट देना होता ताकि जो ब्रिक वर्क है हमारा, बीम है, वो उसका लोड हमारा डोर या विंडो में ना आए, इसलिए वहाँ पे हम एक लिंटल देते हैं। कई बार हम लिंटल चारों तरफ भी देते हैं। सेकेंड एंड 7 नंबर पे हमारा है फ्लोर्स। फ्लोर्स इज कॉल्ड एज फ्लैट सपोर्टिंग एलिमेंट्स डिवाइडेड बिल्डिंग इनटू लेवल्स फर्स्ट सेकेंड मेन मिनी। इट इज़ योर फर्स्ट स्टोरिंग डेली पर्पज यूजेबल थिंग्स। फ्लोर जो है हमारा एक जो बिल्डिंग का एक फर्श जो होता है जो बिल्डिंग को एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर में बांटता है। ये एक बॉटम पार्ट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे हमको सामान रखना है, कोई भी हमारे डोमेस्टिक यूज़ है जब वहाँ घरेलू सामान रख लेंगे हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोर विंडो एंड वेंटिलेटर। डोर विंडो एंड वेंटिलेटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है? डोर जो है हमें एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। विंडो का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम अंदर भी रह के हम बाहर की सनलाइट, एयर एंड आउटसाइड व्यू देख सकें। वेंटिलेशन को ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, वॉशरूम एरिया में, ताकि अंदर की गैसेस बाहर की गैसेस अंदर से बाहर जा सकें। हालांकि डोर जो है कई तरीके से अलग अलग टाइप की होती हैं, विंडो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, इनके स्टैंडर्ड साइज़ होता है, मैक्सिमम हम 2.1 मीटर इसकी हाइट लेते हैं, 1 मीटर विड्थ लेते हैं, विंडो की भी हाइट हम 1.5 मीटर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेयर। स्टेयर है एक ये मेंबर है जिसमें हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में हम जा सकते हैं। इसका उपयोग हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए करते हैं। जैसे हम हैं फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में, हमको अब छत में जाना है कपड़े सुखाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, हमको बैठने के लिए जाना है, तो हम सीढ़ी का उपयोग करते हैं। सीढ़ी यानी स्टेयर। सीढ़ी भी कई तरीके से होती है। ये सामने आपको जो इमेज में दिख रही है ये डॉगलेग स्टेयर है, मतलब कुत्ते के जैसे पैर होता है उसी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है डॉगलेग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीम। बीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, एलिमेंट है। बीम आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर दैट रेसिस्ट लोड अप्लाइड लेटरली टू देयर एक्सिस। दे टिपिकली ट्रांसफर लोड इम्पोज्ड अलोंग इन पॉइंट वेयर द लोड्स आर ट्रांसफर्ड टू वॉल्स, कॉलम एंड फाउंडेशन। अब जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं कॉलम एंड बीम वाला, तो हमारा जो छत का जो लोड आएगा वो सबसे पहले आएगा बीम में। बीम से वो लोड हमारा ट्रांसफर होगा कॉलम में, और कॉलम के थ्रू वो ट्रांसफर होकर हमारे फाउंडेशन में चले जाएगा। तो जो कंप्रेसिव एंड नेक्स्ट है हमारा रूफ। रूफ का मतलब क्या होता है, मतलब इट इज़ ए मेंबर विच इज प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम रेन, विंड, सन, हीट एंड फ्रॉम टॉप साइड। मतलब ये
एक छत, मतलब कि छत मतलब होता है कि बिल्डिंग के लिए हम छत बनाते हैं, ये हमको हीट, हवा, पानी, बरसात, गर्मी से बचाता है। इसका यूज़ हम नॉर्मली जैसे हम वॉकिंग करना है, रेस्ट करना है, या फिर हमको कुछ कपड़े सुखाने हैं, कुछ भी करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरापिट वॉल। पैरापिट वॉल जो है ये हमारा एक ड्वार्फ वॉल होता है जो हम अपने छत के ऊपर हम बनाते हैं ताकि हम अपना छत के जो स्पेस को हम सिक्योर कर सकें और हमको अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकें। इसमें कई सारे की डिज़ाइन होती है, लुक के लिए भी किया जाता है, सिक्योर सेफ्टी के लिए भी किया जाता है। इसमें कई बार हम कंक्रीट से भी कर सकते हैं पैरापिट वॉल, स्टील से भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम से भी कर सकते हैं, ग्लास से भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स।